गाइस सुबह सुबह इतना मजा वाला गिफ्ट मिला है ना, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये गिफ्ट दिया है हम लोग का फेमस सेलिब्रिटी यूट्यूबर ने, ये देखिए। लेकिन एज अ सेलिब्रिटी नहीं गाइस, एज अ फेमस नहीं, मैं दिया हूँ अपना दिल से, अपना सिस्टर और भैया मान के, निस्वार्थ भावना लेके। सो थैंक यू सो मच मोनू भाई ये गिफ्ट देने के लिए, सिर्फ हमको नहीं दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, मेरा पार्टनर को भी दिया है, तो रिवील कर रहे हैं ना क्या गिफ्ट दिया है, इतना जल्दी रिवील करेगा हाँ? सबका सामने करना है ना। चलो ठीक है, तब तो बड़ा हो जाएगा ना से, लेकिन इसका अंदर कुछ भी नहीं पहनना है, सिर्फ गेंजी। सबसे पहले तो ये ब्लू इनका फेवरेट है ना, तो कैसा लगा ये गिफ्ट? बहुत मजा लगा एंड थैंक यू मोनू ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और इसके लिए ये वाला, और ये भी गिफ्ट है ना, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी मोनू भाई ने ताचंग भाई को गिफ्ट दिया है, इतना बढ़िया वाला जैकेट। और भाई ओ माय गॉड वाओ, इतना मजा आना है, ये वाला तो खुद ही खरीदा है। ये पैंट ना, तो गाइस देख सकते हैं ये पैंट इतना मजा वाला खरीद के दिया है। और ये देखो पूरा मैचिंग मैचिंग सूट पहन के, यहाँ पे ये गिफ्ट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इतना मजा वाला जम्पर बोलेगा ना, जम्पर, इतना मजा वाला जम्पर लाया है। और मेरा तो अभी तक भी हम अनबॉक्स नहीं किया है, सो लेट्स अनपैक दिस। ओए खोलो तो, आप खोलो, हम खोलेगा ना, तू कौन कैमरा करेगा? हम करेगा ना। अभी मैं ना, मैं अनपैक करने जा रही हूँ, वो मोनू भाई ने जो मेरे लिए गिफ्ट लाया है, सो रेडी वन टू गो। क्या लग रही है मेरे, वो एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्साइटेड हमने जो मोनू भाई बहुत सारा हम लोग को लाइक चेक कर रहे थे, तो ये दीदी भी अनबॉक्सिंग कर रही है। खरीदने जाएगा, वो के भैया ना झेंगला था, थैंक यू मेरे दिल का ख्वाहिश पूरी करने के लिए। yes, ये yes, yes. क्योंकि घूमता रहता है, चलो इसको लेके पूरा घूमो। ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो कैसा कम्फर्टेबल है, ये देखो इतना मजा है ना, ये स्कर्ट जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और आज यही पहन के आज हम लोग पार्टी खाने के लिए जाएंगे। yes, और ये देखो हम दोनों का फेवरेट, इनका फेवरेट कलर और मेरा भी फेवरेट है, ब्लू कलर है, हमको ब्लू बहुत पसंद है, हमको। सो थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अगेन फ्रेंड्स। अभी सुबह हो चुका है और मैंने पूरा हेयर भी वॉश कर लिया, नहा लिया, फ्रेशअप हो लिया, घर का जितना भी काम था पूरा कर लिया है कंप्लीट, और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। मोनू भाई एडिटिंग कर रहे हैं और तचांग भाई और पार्टनर और भाई, वो लोग सब बाहर में बातचीत कर रहे हैं, बिजी है बाहर पे। तो आप सभी लोग को मैं फिर से हम लोग का तचांग भाई को इंट्रोड्यूस करा के देगा, सामने में से अच्छा से इंट्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि जब से आया ना इतना बिजी इधर उधर ऐसे हो के, मतलब सामने में हम, मेरा कैमरा के सामने में उसको हम अच्छा से भी शूट नहीं कर पाए, तो अभी हम अच्छा से आप सभी लोग के सामने में इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तचांग भाई लोग ऐसे बैठ के छाए हुए पी के बैठा हुआ है। ही इज सच अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, बीट बॉक्सर, बीट बॉक्सिंग आई मीन टू से। तो आपका चैनल का नाम बोल दीजिए भाई। मेरा चैनल का नाम है तचांग लियाकबीर। तो भाई हमें दीदी भैया का रूम में आके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, और हम एक्चुअली यहाँ में आया था, हम मोनू भैया को मिलने आया था, एंड जब आया तो दीदी लोग का घर में मोनू भैया भी था, एंड फर्स्ट टाइम दीदी लोग को मिला है। उसके बाद मिलने का बाद एक दिन, सिर्फ एक दिन रहता है, इतना फ्रेंडली, पूरा अपना फैमिली लग रहा है यहाँ में जाना, हम घर भी वापस जाने मन नहीं हो गया, क्योंकि यही मेरा फैमिली लग रहा है दीदी लोग का साथ बहुत सारा। एंड यहाँ में हम बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारा कैसे कैसे लाइफ को जीना है पूरा सीखा है, एंड साथ ही साथ दीदी का बनाने वाला खाना ये नहीं जाता बहुत टेस्टी है, एंड उसका वो मिर्चा वाला हम एक्चुअली मिर्चा थोड़ा ज्यादा खाना पसंद करता है, लेकिन ये मिर्चा जोर से ज्यादा जा लेके हमको ये दुख तकलीफ रुला देता है, ठीक है। तो गाइस हमें भी बहुत अच्छा लगा, आज जाएगा ये तचांग भाई जो ईटानगर की ओर,
तो आते रहेगा रूम में। और या फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करना मत भूलिए। तो गाइस आप सभी लोग तचंग भाई का चैनल को व्यू कर दीजिए और वहाँ में जाके सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग तो छोटा मोटा यूट्यूबर अभी जस्ट बने रहे ना, ये तो तब से मेहनत कर रहे। सो आई वुड लव टू इन्फॉर्म, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू कि आप लोग जितना हो सके तचंग भाई को सपोर्ट कीजिए मेरा तरफ से। तो चलिए गाइस जब मैं स्पोर्ट में पहुंच जाऊंगी तब आप सभी लोग से मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, मोनू, हम, तचंग भाई, मेरा पार्टनर भाई और केशव भाई लोग रुका हुआ है आगे में। सो मिलते हैं फ्रेंड्स। सभी हम लोग रेडी हो चुका है, मोनू का मौसी का घर में जगह बोला है ना, इसलिए पूरा ये देखो मेखला वगैरह पहन के। मेरा हीरो का बहुत फिक्र होता है मेरा ना, यहाँ पे रख दिया था तो मैंने बोला कि यहाँ में रखने के लिए। और ये बाहर पे पता नहीं कोई भाई लोग आए। ये देखिए दोस्तों, ये अभी पूरा रेडी हो चुका है। क्या गर्म नहीं लग रहा है? स्वेटर लगा के जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग का हीरो जूता लगाते हुए रेडी हो रहा है। नहीं पूछेगा गर्म नहीं लग रहा है क्या? हम धुलाएगा ना। I am the one. जब से तचंग भाई यहाँ में आया साइकिल चलाया नहीं, मतलब बहुत साल हो गया था साइकिल नहीं चलाया, पर जब हम एक आदमी से साइकिल लेके चला गया बोले चला चला जा रहा है। मतलब जब से यहाँ में आया है साइकिल चलाएगा, साइकिल मतलब बोल रहा था कि 9 साल हो गया साइकिल नहीं चलाया। साइकिल बहुत पसंद है ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो अभी जस्ट एक अंकल आया है साइकिल लेके, तो वो यहाँ में अपना साइकिल रख दिया था। उसके बाद में वो हम लोग का यहाँ में जो मछली मारने के लिए रेडी कर रहा है वहाँ में गया था, तो पूछा है साइकिल चलाएगा क्या बोल के, तो वो साइकिल चला दिया। अभी साइकिल लेके वो आगे चला गया, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अच्छा ही है, वहाँ में जो जो करने का मन होता है नहीं हो पाता है, लेकिन वो यहाँ में आके पूरा हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा एक्सपीरियंस कैसा लगा है साइकिल चला के? नेक्स्ट बार बाइक नहीं लेगा, नेक्स्ट बार साइकिल लेगा। यही साइकिल को लेगा, अंकल को बोलना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग आया था मोनू का घर में, वो है महादेवपुर में ना, तो मोनू ने बोला है कि हम लोग को रेडी हो जाओ क्योंकि आज मम्मी और भाभी लोग से अच्छा से इंट्रोड्यूस करा के देगा, फिर खाना है ना बढ़िया से बना के खाएगा बोला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंफर्टेबल फील होने के लिए ऐसा आउटफिट मैं पहनूँ बोल के, ऐसा ड्रेस मैं लगाऊँ बोल के, तो ऐसा ड्रेस लगा के आ गया। तो फिर आधा रास्ता से मोनू का कॉल आया है, रिंग आया है कि जल्दी आ जाओ यहाँ में मछली पकड़ेगा बोलता है। तो लो क्या करेगा, ऐसे ड्रेस में आ गया अभी मछली पकड़ने के लिए। फिलहाल तो मैं नहीं पकड़ूंगी मछली, ये लोग पकड़ेगा होगा। तो ये तो बहुत खुश है गाइस, क्योंकि मेरा ये ड्रेस में तो हम लोग गंदा नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस यू नो मेरे लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए गाइस, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मजा वाला आने वाला है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहना और हमें सपोर्ट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जिसने रिसेंटली हम दोनों का चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सभी लोग को तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सभी लोग हमेशा हम दोनों को सपोर्ट करें। तो चलो गाइस, ये जगह ना थोड़ा डाउन है, डर लगता है। वहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मोनू अभी पूरा पकड़ रहे मछली और यहाँ पे एक्स्ट्रा से चिल्ला रहे जल्दी जाएगा बोल के, मछली पकड़ेगा बोल के। पता नहीं गैस मछली को पकड़ सकेगा कि नहीं, हमको ज़बरदस्ती कर रहा है चलो वहाँ से वीडियो करो और हम लोग मछली पकड़ेगा बोलते हैं। लेट्स सी अभी वो मछली कितना पकड़ेगा। और गाड़ी हम लोग ने यहाँ पे पार्क किया है क्योंकि फ्री अवेलेबल वाला प्लेस है, तो जहाँ तहाँ हम लोग ने गाड़ी को यहाँ पे रख दिया। और ये देखिए दोस्तों, इसको ना हम यहाँ पे रख देगा।
और मैं अभी जाने वाली हूँ ऐसे। और ये देखो हम लोग का हीरो, माय गॉड ऐसा रास्ता है भाई। वहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सब लोग मछली पकड़ने में बिजी है और ये रास्ता होके जा रहा है। बाय हम दोनों। पता नहीं इसको क्या हो गया, गरम लग गया, क्या हो गया, गरम लग गया, गरम लग गया। तो खोल दो स्वेटर, स्वेटर खोलो भाई। खोल लेगा तो अंदर कुछ भी नहीं है। छी तुम कुछ भी नहीं पहनता है क्या? बनियान पहनना है ना जवान लड़का। गरम बहुत है, हमें सब बिना कुछ सपोर्ट का बैठे तो कितना भी दर्द दे नहीं, पूरा दर्द दे रहा। अच्छा तो ये हमको बैठने नहीं देगा क्या? ये चलो आधा आधा बैठेगा ना। अभी भाई हम दोनों ये देखो ऑटो का सामने बैठा है, टेम्पो का सामने में बैठा हुआ है क्योंकि बाहर पे ना धूप है ना। माय गॉड आज तो स्किन तो गया, ऐसे भी काली हूँ और भी कलिया हो जाएगा आज तो। मछली अभी पकड़ना था ना, लेकिन पानी जो अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, पानी जब पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म फिनिश हो जाएगा तब मछली लोग ना ऐसे ऐसे जम करके ना पूरा फैलेगा, तब हम लोग पकड़ने जाएंगे। गाइस हमको ना इतना मछली पकड़ने मन है ना, लेकिन हम क्या करेगा, ये ड्रेस को हम ख़राब करने मन नहीं है, गंदा हो जाएगा जा सकता है। और ऊपर से सामने में नदी वगैरह पानी वगैरह भी नहीं है, तो लेट्स सी बाद में मछली सबको उछलने वाला देख के क्या पता ना मेरा मन भी पिघल जाएगा होगा। मछलियों के सामने मेरा जो प्यार है मछलियों के लिए अलग से तरसेगा होगा, और तरसने से तो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज गाइस। अगर मेरा मन पिघल जाएगा ना तो मैं जरूर प्यार करने जाऊंगी मछली लोग को, मछली लोग को पकड़ने जाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मोनू और सोनू भाई, मोनू और सोनू भाई, यस। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था तो एक आंटी ने ब्रेड ला के दिया तो मैं वही खा रही थी। और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं हम लोग का हीरो केशव भाई पर मैं बैठ के मज़ा ले रहा था। और उसके बाद में आता है हम लोग का हीरो मोनू द ग्रेट। और यहाँ पे मैंने आंटी को थैंक यू बोला है ब्रेड ला देने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऐसे बातचीत करके बैठा था मोनू हम और केशव भाई। गाइस अभी ना हम लोग यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि मछली पकड़ेगा करके सोचा था, बट नहीं होगा, पानी कभी नहीं हो रहा है। तो बाय बाय। तो आज मेरा घर में मेहमान लोग आया ना, सो वो लोग के लिए पानी लाया हूँ। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये लीजिए सर। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, गॉड फादर। ये लीजिए सर। थैंक यू भाई। तो अभी हम इसको रखने जा रहे हैं okay. हम लोग का घर का अंदर में। बाय बाय। खाई दो आंटी। अभी यहाँ से तोड़ के ले जाएगा आंटी जो बोला है कि ना यहाँ से तोड़ के ले जाओ, खाता है कि नहीं बोल के। तो क्यों नहीं खाता है ना इसको, पपाया को तो बॉईल करके लहसुन के साथ में बॉईल करके खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे है हम लोग का आंटी। हेलो आंटी, ठीक है ना आप? यहाँ में अभी पूरा धूबी गायब हो गया तो इसलिए आंटी जो अभी पूरा ब्लैंकेट एंड ऑल उठा के ऊपर वाला घर में रखने जाएगा। तो देख सकता है दोस्तों इतना सारा डक्स लोग है वहाँ पे पूरा खेलते हुए। और हम लोग ने गाड़ी पार्क किया है वहाँ पे, वो गेट का सामने में पार्क किया है। यहाँ पे बैठा हुआ है तीन मेहमान और ये है मुनू का मौसी का घर।
हम लोग ऐसे यहाँ पे बैठ के बातचीत इन कर रहे हैं और मोनू भाई ऊपर में पता नहीं फोन में किसका साथ में व्यस्त है, मालूम नहीं है। सो थोड़ी देर के बाद हम लोग निकल जाएंगे। और मेरा पाव आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चप्पल भी नहीं पहना है, मेरा हील जो वहाँ में रख दिया क्योंकि हम लोग वहाँ में मछली पकड़ने गया था ना, देखो पूरा गंदा हो चुका है। गाइस अभी ना हम बच्चा लोगों को खिला रहे हैं, हाँ ये लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड कौन होगा, दीदी आप देखो बोल रहे। तो यहाँ पे है कंटेस्टेंट नंबर वन गाहोय ना। या आपका नाम क्या है? आयुमी। एर्मी। आयुमी। आरुमी। वाओ। आपका नाम? मायरा। मायरा आपका क्या नाम है? करुण। ये बड़ा और ये छोटा। और यहाँ पे है नन्नो। रेडी वन टू गो। हो गया। नोनो हम दोनों कब पहुंचेगा? नोनो हम दोनों कब पहुंचेगा? लगा के ये नोनो हम दोनों जीत गया ना। येलो जेल्लो फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर्स। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुका है मोनू का घर में और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। मछली पकड़ने जाएगा आगे बोला था लेकिन मछली तो मिला नहीं है क्योंकि पानी जो इतना ज़्यादा था ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था ना, इसलिए हम लोग वहां से निकल के आ गया क्योंकि ये जो ताजंग भाई है ये भी आज जाएगा बोला है, इसलिए देर हो गया ना। तो डायरेक्टली अभी मोनू का घर में आया है। तो लेट मी एंड माई व्लॉग राइट नाउ। आई होप आप सभी को ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और अगर चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो के लिए आप लोग वेट करना। तो बाय बाय गाइस, फिर से हम लोग आएगा ना पपाया देने के लिए। थैंक यू और अंकल बाय बाय। हाँ और यहाँ पे है हम लोग का हीरो, ये आते रहेगा। चलो आयुष्मान। तो गाइस अभी चलते हैं, चलो 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 यहाँ से चलते हैं गाइस, लेट्स गो।